कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले लॉन्ग वीडियो शूट, काफ़ी टाइम बाद में लॉन्ग वीडियो लेके आई। तो आज हम करने वाले ब्राइडल हल्दी मेकअप लुक, एंड काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी आई थी इस लुक के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको लॉन्ग वीडियो शूट करके दे दूँ। तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, बस हम वीडियो शूट करेंगे। तो ये ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं मैंने मीशो से बाय की थी, मतलब मीशो से मंगाया था। मुझे हल्दी लुक क्रिएट करना था इस पर, और मैंने राधा रानी का लुक भी क्रिएट किया था, तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ था जाके लास्ट में। फर्स्ट क्लिप आप लोगों ने देखा ना कितना प्यारा सा लुक क्रिएट हुआ था, एंड कलरफुल आई मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था। मैंने फर्स्ट बार ट्राइंग किया है, आप लोग कमेंट करना कि मेरे से सही हुआ है नहीं हुआ है। वैसे तो मुझे ये मेकअप लुक अच्छा लगा है। मैं वीडियो को स्किप करने गलती बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देख के जाना, एंड पूरा वीडियो वॉच करके जाना, एंड कमेंट भी करके जाना कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लावर वाली ज्वेलरी वेयर कर ली, क्योंकि इससे ना बहुत ही ईजी जाता है, हम अपना मेकअप पर फोकस कर पाएंगे। यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, आई मीन मैं जिसमें शूट करी थी ना, बस मैं ही अकेली बैठी हुई थी उस कमरे में और कोई भी नहीं था। तो बताओ ना, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, मुझे बस अकेला रूम चाहिए और मेरे आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ अगर मेरे पास आसपास कोई रहता है। तो बातें बहुत सारी कर ली, चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये टोनर यूज करी, गुड वाइब्स का है ये, काफी टाइम से मेरे पास टोनर रखा हुआ है, मतलब काफी टाइम मैं इसको यूज करती आ रही हूँ, एंड इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो इसको पूरे फेस पे स्प्रे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डैब डैब करेंगे ताकि हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आपकी स्किन अपने आप ही ग्लो करेगी। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मैंने यहाँ पे बीक्यूर का मॉइस्चराइजर लिया, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। सच बताऊँ तो मैं पूरी बोतल खाली हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा बहुत होगा, उसकी भी जान निकाल लेंगे हम आज, इसको लगाएंगे। तो मैं काफी टाइम से पॉन्स का भी यूज करी थी और इसका भी यूज करती हूँ, दोनों मॉइस्चराइजर मुझे काफी सूट करते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। तो इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, देखा आप लोगों ने कितना मक्खन की तरह ये मतलब स्किन पे अब्सॉर्ब हो रहा है और बहुत ही इजिली लग जाता है। देखिए गाइस, जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हो सारे अफोर्डेबल होते हैं, मैं इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो महंगे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मैं लेके आती हूँ। तो मेरे कहने पे आप लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बजट फ्रेंडली है। अब हम लगाएंगे प्राइमर, ये ब्लू हेवन का प्राइमर है, एंड बातें तो होती रहेगी, चलो म्यूजिक भी सुनते हैं, बीच बीच में म्यूजिक भी लगाती रहूंगी, तो आप लोग बोर नहीं हो पाओगे, इसलिए म्यूजिक भी सुन लो और मेरी आवाज भी सुन लेना। ओके रुको रुको, म्यूजिक लगाने से ये तो बता दो मैं क्या यूज करी। मैं यूज करी स्विस ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टर। मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का एक कंसीलर पैलेट, इसमें आपको 5 शेड मिल जाते हैं। मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करूंगी इसको, मैं आज फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली। बिना फाउंडेशन का ये लुक क्रिएट हुआ था, देखा आप लोगों ने कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ था। जिसको मेकअप करना आता है ना, वो कैसे भी लुक क्रिएट कर सकता है, चाहे उसके लिए फाउंडेशन की उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने इसमें फाउंडेशन जरा सा भी यूज नहीं किया है, एंड आप लोगों को लग रहा है झूठ बोल रही है, बट आप लोग पूरे वीडियो में देखते जाना, मैंने फाउंडेशन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया, बस मैंने कंसीलर का यूज किया है, एंड उससे मेरा मेकअप परफेक्टली मैच हो गया था एंड बहुत ही अच्छा हुआ था। तो कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर का। इसका सारा पानी मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया। फिर से करने वाले कंसीलर का यूज, क्योंकि आज हमने फाउंडेशन यूज बिल्कुल भी नहीं किया, तो हमें अपना मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखाना है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रखना है, तो हम कंसीलर लगाएंगे दोबारा से। तो मैंने यूज किया स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। आपने काफी शॉर्ट वीडियो में मेरे को इसको यूज करते देखा है, एंड लॉन्ग वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने। कंसीलर को भी अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। जब भी आप अंडर आईज पे ब्लेंड किया करो ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना, क्योंकि जब आप तेज रफ्तार में आप ब्लेंड करना शुरू कर देते हो ना, तब आपके जो प्रोडक्ट होते हो आपके मतलब ब्यूटी ब्लेंडर में घुस जाते हो, तो आपकी स्किन पे वो दिखता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं ना कि आपका मेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको ये पता नहीं चलता। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड किया करो, एंड आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा, उसमें आपकी स्किन पे ही रहेगा। यहाँ पे मैं यूज करी कंटूरिंग, क्योंकि अपने नोज को आज मैं कंटूर करूंगी, काफी टाइम बाद में अपने नोज को कंटूर करी, वैसे मैं करती नहीं हूँ वीडियो में। एक बात हमेशा ध्यान
ध्यान रखना, जब भी आप कंटूर करो ना तो आप ऐसा मुंह बना लिया करो टेढ़ा मेढ़ा जैसे मैं बना रही। वैसे तो मुझे पता नहीं इतना ऐसा बनाते हैं या कैसा बनाते हैं, जैसा मुझे मुंह बनाना आता है मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड आप लोग जहां कंटूर करो ना वहीं पे आप ब्लेंड क्या करो, ऐसा आपका फेस बहुत ही शार्प दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने मुंह तो चमका लिया, बट हमारे गले की बात रहेगी तो गला भी चमकाना बनता है। तो यहाँ पे तो मैंने नेक पे बस फाउंडेशन लगाया क्योंकि इससे मेरी स्किन और मेरा नेक दोनों बराबर दिखेगा, मतलब मैचिंग मैचिंग दिखेगा। उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूंगी लूज पाउडर के साथ। मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप कलर दिखा दिए, मैंने कौन कौन से यूज किए थे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर क्योंकि आज मुझे कट क्रीज करना है। तो लोअर लैश पे मैंने एक रेड शेड लगाया था, उसके बाद मैं लगाऊंगी NYB का आईलाइनर। अक्सर कमेंट करते दीदी आप काजल नहीं लगाती, तो आज मैंने काजल भी लगाया। एंड आप लोग बताने कि आपको मेरे ऊपर काजल कैसा लगता है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था मैंने उसको हटा लिया ब्रश की मदद से। मैंने इस लुक को कंप्लीट किया कि लिपस्टिक के साथ। आप लोग कमेंट करके जाना कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा। फिर ये वाला मेकअप लुक आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू।